वास्तव में लोकतंत्र के अंदर ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जीतने वाले छात्र संघ को अपनी पसंद का मुख्य अतिथि न बुलाने दिया जाए और छात्र संघ के उद्घाटन में रोड़े अटकाए जाएं, यह लोकतंत्र का अपमान है। मायरा फैशन, स्वामी कॉम्प्लेक्स एंड वेगा मॉल, अजमेर। और हमेशा जीत सत्य की होती है। कल जब इन्होंने बैठक बुलाई और प्रतिनिधि को बुलाया, तब आचार संहिता की आड़ में इन्होंने किसी को न बुलाने के लिए कहा, जबकि सारा एक छोटी सी बुद्धि रखने वाला भी व्यक्ति जानता है कि शहर के अंदर किसी प्रकार की कोई आचार संहिता नहीं है। मैं जिला प्रशासन को धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने इनके प्रश्न का उत्तर लिखित में दे दिया कि किसी प्रकार की आचार संहिता शहर में नहीं है, और छात्रों की मांग उन्होंने मान ली। इसलिए मैं प्रिंसिपल को धन्यवाद देता हूँ। ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे कि प्रिंसिपल बनने के बाद सारे छात्र उनके समान होते हैं, इसलिए विचारधाराएं अलग अलग होती हैं। यहाँ सब मिल करके इस ज्ञान के मंदिर को में सबको एक समान, एक ही सबको विचार के लिए प्रोत्साहन दें और लोकतंत्र की रक्षा के लिए छात्रों को नेतृत्व प्रदान करने के लिए छात्र संघ की व्यवस्था है, तो उसका सम्मान करें। जी बिल्कुल, हमारी दोनों मांगे थी वो मान ली गई है। क्या मांगे की दोनों आपके? हमारी एक तिथि कि छात्र संघ कार्यालय उद्घाटन की तिथि दी जाए, जो हमें 11 तारीख दी है, और दूसरी मांग थी अध्यक्ष को हूँ तो मुझे जो मुख्य अतिथि बुलाने का अधिकार मुझे दिया जाए, वो मांग भी मान ली गई है। और जो ये कह रहे थे शहर में आचार संहिता का झूठा जाल में हमें फंसाया जा रहा था, उसकी भी हमने जो आचार संहिता शहर में नहीं, इसके संबंध में भी हमने इनको लेटर भिजवा दिया, और अब इनकी भी आंखें साफ़ हो गई कि क्या अंधेरा था वो साफ कर दिया। और इन्होंने कॉलेज प्रशासन ने हमें उद्घाटन में पॉलिटिकल आदमी या किसी भी को बुलाने की अनुमति दे दी। हमारे अभी संगठन से बात चल रही है, जिसमें सतीश जी पूनिया, गजेंद्र सिंह शेखाव जी या वसुंधरा राजे इसमें मुख्य अतिथि रह सकते हैं। विकास गोरा, छात्र संघ अध्यक्ष, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, जीसी। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं, उसी बात को लेकर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र संघ अध्यक्ष वे अजमेर महानगर की टोली पिछले 4 दिनों से लगातार भूख हड़ताल पर बैठी रही, और उसका परिणाम ये निकला कि यहाँ के सम्राट राज के पृथ्वीराज चौहान के जो प्राचार्य प्रिंसिपल कांग्रेस का दलाल जो भ्रष्ट पराजय बैठा हुआ है, उसको विद्यार्थी परिषद के सामने अपने घुटने टेकने पड़े, और विद्यार्थी परिषद इस महाविद्यालय के कार्यालय के ऊपर फिर से दूसरी बार छात्र संघ कार्यालय के ऊपर केसरिया ध्वज लहराने के लिए फिर से विजय हुआ है। और रही बात कि जो हमारी दो प्रमुख मांगे थी, एक हमें मुख्य अतिथि की अनुमति दी जाए, जो जिस प्रकार हमारा मुख्य अतिथि रहता है, और दूसरी जो मुख्य तारीख दी जाए, दोनों पर प्राचार्य ने सहमति दी है, और तो हमारे को प्राचार्य महोदय ने लेटर प्रोवाइड कराया, और जो तिथि रही है वो 11 जनवरी को लगभग दोपहर 12 बजे के आसपास छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन रहेगा। और उस छात्र संघ कार्यालय उद्घाटन में हमारे प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व प्रदेश संगठन मंत्री सतीश जी भाई साहब आमेर के विधायक, वो हमारे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ मौजूद रहेंगे, और सभी छात्र छात्राओं को और जो अनशन पर हमारा सहयोग किया उन मीडिया कर्मियों को और पुलिस प्रशासन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जो कड़ाके की सर्दी में हमारा पहरा लगाने के लिए पुलिस प्रशासन रात भर हमारे साथ में खड़ी रही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सीताराम चौधरी, दयानंद महाविद्यालय, छात्र संघ अध्यक्ष। आज 4 दिन से भूख हड़ताल पे हम सभी वीपी के जो पदाधिकारी है, हमारा भाई विकास गोरा छात्र संघ अध्यक्ष जो भूख हड़ताल पे यहाँ बैठा था, आज 4 दिन भूख हड़ताल के बाद आज कहीं जाके प्रिंसिपल सर ने हमारी मांगों को माना है। जो हमारी दोनों मांगे थी, एक तो मुख्य अतिथि की और दूसरी के तिथि हमको दी जाए, इसकी अपने इसकी उद्घाटन की, जो हम इन लोगों ने हमको तिथि भी दे दी और हमारी दोनों मांगों को मान के आज हमको अंदर से लेटर प्रोवाइड करा दिया कि आप अपनी तैयारियाँ करें चुनाव की। और इसी प्रकार विद्यार्थी परिषद की जीत हुई है, और जिस तरह से हम लोगों ने संघर्ष किया है 4 दिन यहाँ पे बैठ के भूख हड़ताल पे बैठे हैं, उसी प्रकार आगे भी ऐसे अगर इनकी यही मनमानी चलती रहेगी, तानाशाही चलती रहेगी, तो हम ऐसे ही भूख हड़ताल पे बैठेंगे और हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, तो हम ऐसे ही बार बार इनको बैठ के इनको बताएंगे कि विद्यार्थी परिषद कमज़ोर नहीं है और ये कैसे काम होते हैं, कैसे काम होने हैं, ये सब जानती है कि कैसे क्या होगा। उद्घाटन में कौन अतिथि रहेगी आप? अभी हमारे जो अतिथि आने वाले हैं वो हमारे बड़े जो अधिकारी है, वो इनके बीच में वार्ता चल रही है कि कौन से अधिकारी आएंगे, उस हिसाब से आपको आगे सूचना कर दी जाएगी। आपको परमिशन दे दी है आने की? बिल्कुल, मुख्य अतिथि का जो अधिकार अध्यक्ष का होता है वो पहले भी होता है और आगे भी होता आएगा, और इस बार हमारी ये मांग वापस से मांग ली गई है कि मुख्य अतिथि जो अध्यक्ष का रहा है
वही रहेगा। मोहित तुनवाल सैनी, महानगर सहमंत्री, एबीपी अजमेर। इस संबंध में हमने मुख्य निर्वाचन अधिकारी माननीय जिलाधीश महोदय को एक पत्र लिखा था कि आचार संहिता लागू है या नहीं है। इस संबंध में आज प्रातः चुनाव आचार संहिता प्रकोष्ठ से डिस्पैच नंबर 3 से एक पत्र प्राप्त हुआ आज के दिनांक का, जिसमें ये लिखा गया था कि आप आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करें। घंटे डेढ़ घंटे बाद ये पत्र आया कि आचार संहिता शहरी क्षेत्र में लागू नहीं है, तो उस निर्णय को ध्यान में रखते हुए सभी छात्रों को, इसमें एक मुख्य अतिथि अध्यक्ष द्वारा नामित और अन्य अतिथि एक एक, तीनों पदाधिकारी के होंगे, ये नाम उनसे आज शाम तक मांगे गए। सर, इसमें तो कहा जा रहा है कि सतीश पुनिया जी और दो तीन अधिकारी, अभी तक उन्होंने हमें सूचित नहीं किया है, लेकिन हमने एक मुख्य अतिथि के लिए विकास बोरा को कहा है, और इसके अतिरिक्त अन्य अतिथि अगर आते हैं तो स्टेज पर जो नियमानुसार है वे ही विराजमान है। जिस प्रकार ये एबीपी द्वारा जो नाजायज तरीके से भूख हड़ताल की जा रही है, इसका सिर्फ मकसद प्राचार्य की छवि खराब करना है, महाविद्यालय की गरिमा खराब करना है। जब पूर्व में जब भाजपा सरकार थी, जब सन 2016-17 में जब जीसीएम में छात्र संघ अध्यक्ष थे एनएसयूआई के, तब एस के देव यहाँ के प्राचार्य थे और बाकी के तीन पदाधिकारी एबीपी के थे। तब इन्होंने जब पायलट साहब से मुख्य अतिथि के रूप में उद्घाटन करवाना चाहते थे, तब यहाँ पे जो बिशु सर थे, नयनलाल गुप्ता जी थे, जो संघ के थे, उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि पायलट साहब द्वारा उद्घाटन नहीं किया जाएगा। और अब इनको अपने खुद के गिरिबान में धाक के देखना चाहिए कि किस तरह आप प्राचार्य को एक कांग्रेसी होने के लिए बाधित कर रहे हैं, किस तरह आप उन पर आरोप लगा रहे हैं जो कि बिल्कुल पूर्णतः गलत है। और ये जो भाजपा के जो नेता आ रहे हैं वो उनकी जिस तरह ये नाजायज भूख हड़ताल है उसका समर्थन कर रहे हैं, इनको समझाना चाहिए कि जो आपके कोई मांगे जो है बिल्कुल निरर्थक है, फिर भी आपके द्वारा भूख हड़ताल की जा रही है और सिर्फ माहौल ख़राब किया जा रहा है इनके द्वारा। आचार संहिता की मना कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। देखो, आचार संहिता में आप किसी भी राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए व्यक्ति को नहीं बुला सकते हो छात्र संघ कार्यालय उद्घाटन में, और पूर्व में भी ऐसा होता हुआ आया है, और जो नियम है वो नियम ही रहेंगे। आपका नाम? रियाज खान, एनएसयू।